क्वेश्चन ये बोला गया है कि इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल एबीसी एएलबीएम एवं सीएन आर द थ्री एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ये तो डायरेक्ट इन्होंने पूछ लिया है, इसमें कोई बड़ा ये चीज़ नहीं है। अगर आपके सामने क्या है, तीन एक ट्रायंगल है, यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया, यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ किया और यहाँ से परपेंडिकुलर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है, यही बोला गया है। मैं नामकरण भी कर देता हूँ, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए एल, ए एल ये परपेंडिकुलर आपका ए एल है, सी एन और आपका क्या है आपका बी एम, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो गाइस देखो कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही होगा। क्यों? ए एल इसका सम, देखो इसका और ये पूरा लाइन का जो अल्टीट्यूड है ना, इसका सम ए एल प्लस बी एम, बी एम आपका ये है, बी एम प्लस सी एन, ये हमेशा छोटा होता है किसके, इसके परिमाप के, ए बी बी सी और सी ए का। ये हमेशा आपको याद रखना है कि अगर एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीन हम अल्टीट्यूड डालेंगे तीनों भुजा पर, तो हमेशा इन तीनों का जो अल्टीट्यूड का जो लेंथ होगा ना वो हमेशा छोटा होता है किससे, इस ट्रायंगल के पेरीमीटर से। अब ऐसा याद रखना, इस ट्रायंगल का पेरीमीटर से क्या होता है, छोटा होता है, पूरे अल्टीट्यूड का अल अल्टीट्यूड का सम जो होता है वो हमेशा छोटा होता है किससे, पेरीमीटर से। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, ठीक है, इसमें कोई एक्सप्लेन करने की बात नहीं है।